हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अक्सर ये कहा जाता है, आपने फिल्मों में भी सुना होगा कि कानून हाथ में मत लो, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, कानून को अपना काम अपने आप करने देना चाहिए, कानून के कामों में किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। लेकिन क्या हो जब कोई आप पर हमला कर दे, या आपके सामने आपकी प्रॉपर्टी में, आपकी संपत्ति पर, आपके मकान में घुस आए। भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की धारा है 97 जो आपको ये अधिकार देती है कि अगर कोई आप पर हमला कर दे आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर में, आपकी मर्जी के बिना घुस आए, तो आप भी उस पर हमला कर सकते हैं। धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के बारे में बताती है। एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर कोई आपके परिवार पर हमला करता है तो आप कानून हाथ में ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि धारा 97 और क्या क्या बातें कहती है, क्या है इसके प्रावधान, और वीडियो के आखिर में आपको एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि रोचक कानूनी तथ्य भी बताऊंगा। तो बने रहे मेरे साथ आखिरी तक। मैं हूं एडवोकेट मर्केश विश्वकर्मा। धारा 97 में है शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि निजी प्रतिरक्षा का अधिकार, यानी कि आत्मरक्षा का अधिकार। धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधनों के अधीन हर व्यक्ति को अधिकार है कि वह, दोस्तों धारा 99 में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जो कोई लोक सेवक करता है और सद्भाव में करता है, यानी कि अगर लोक सेवक के द्वारा जनहित में कोई कार्य किए जाते हैं, उसे किसी की प्रॉपर्टी को, मकान को, या व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचता है, तो ऐसे में लोक सेवक के विरुद्ध, तो ऐसे कार्यों के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए आइए फिर से हम धारा 97 की बात करते हैं। धारा 97 में जो पहला स्पष्टीकरण है, मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, यानी कि धारा 97 के पहले स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अगर कोई अराजक तत्व, तो अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को कोई शारीरिक क्षति पहुंचाता है, या उसके परिवार को शारीरिक क्षति पहुंचाता है, या उससे संबंधित किसी और व्यक्ति को शारीरिक क्षति पहुंचाता है, तो जिस व्यक्ति को क्षति पहुंचाई या नुकसान पहुंचाया जा रहा है उस व्यक्ति को तो यह अधिकार है ही कि वो भी उल्टा वार करे उस व्यक्ति पर, साथ ही उससे जुड़ा अन्य व्यक्ति जो है उसकी भी वो रक्षा करे। धारा 97 का दूसरा स्पष्टीकरण इस प्रकार है, किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की, चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की रक्षा करे, यानी प्रतिरक्षा करे। यानी कि धारा 97 का दूसरा स्पष्टीकरण ये है कि अगर कोई चोरी करने के इरादे से, या लूट करने के इरादे से, या कुछ भी गलत करने के इरादे से आपके घर में, मकान में घुसता है, आपकी प्रॉपर्टी पे आता है, या फिर वो चोरी, लूट, रिश्वत या आपराधिक हथियार ये सब करने का अगर प्रयत्न करता है, कोशिश करता है ऐसा, तो आपकी संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो, कैसी भी संपत्ति हो, आपको अधिकार है कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा करें। स्वयं की तो रक्षा करें ही, आप अपनी संपत्ति की भी रक्षा करें। तो दोस्तों, आज हमने भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पिनल कोड की एक और महत्वपूर्ण धारा धारा 97 के बारे में जाना, और अब हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग लीगल फैक्ट यानी कि रोचक कानूनी तथ्य के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया दो अलग अलग देश हैं। 2008 से दक्षिण कोरिया ने जब उत्तर कोरिया को फर्टिलाइजर यानी कि खाद भेजना बंद कर दिया, तो उत्तर कोरिया की सरकार ने उत्तर कोरिया में फैले सैकड़ों बेतुके कानूनों की तरह एक और नया बेतुका कानून बनाया, जिसके अंतर्गत वहाँ के नागरिकों से ये कहा गया कि देश में खाद की भारी कमी हो गई है, इसके लिए प्रत्येक नागरिक अपना मल सरकार को सौंपेगा, अपना मल सरकार को देगा, जिससे कि सरकार उस मल को कृषि के काम में, खेती के काम में उपयोग में ला सके और लोगों के द्वारा सरकार की सहायता हो सके। इस वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो में मेरे साथ आखिरी तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।